ओके इंस्पेक्टर, डील डन है। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो गाइस, हमारे इस पुलिस ऑफिसर के साथ बात हो चुकी है। ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही ईमानदार है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो पिछले वॉच टाउन में थोड़े से भी करप्ट इंसान और पुलिसमैन रहे, इसलिए ये जिन्हें हमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर का जॉब दिया है। ये जो पुलिस ऑफिसर है जिससे मैंने अभी जस्ट बात किया है, वो चाहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बन के इस रोप हीरो वाइस टाउन को प्रोटेक्ट करूँ। तो कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि रोप हीरो वाइस टाउन को प्रोटेक्ट करे तो कमेंट में जरूर से ज़रूर लिख देना। तो सबसे पहले तो हमें कैब लेना है जो उस पुलिस ऑफिसर ने हमारे लिए रखा है पुलिस स्टेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम कैब ले लेते हैं। उसके बाद उसने बोला है हमें कि आपको ड्रेस भी दिया जा रहा है, तो उस ड्रेस भी हम पहनेंगे और एकदम स्पेशल वाला ड्रेस पहनेंगे। आप लोग आज देखते रह जाओगे ऐसा ड्रेस में दिखाने वाला हुआ जब आपको इस हाल ही के फिलहाल में अपडेट में आया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना कैब। ओ लेडी हटो साइड में यार, देख लो आपको मैं दिखा रहा हूँ पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, वाइस टाउन पुलिस स्टेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैब, ये देख लीजिए आप लोग अच्छा से देख लीजिए कैब। इसमें देखिए साइरन भी है, इतना अच्छा से कैब उस पुलिस ऑफिसर ने रखा है हमारे लिए। देखिए उसके बगल वाले जो कैब है उसमें साइरन नहीं है, इसलिए हम इसी कैब को लेंगे। भाई ये कैब मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है भाई, जो जैसे पुलिस करते हैं भाई वैसे करके चलेंगे। भाई रुको मैं साइरन बजाता हूँ, साइरन बजा दिया, देख लो भाई अब कितना अच्छा लग रहा है हमारा कैब। साइरन का आवाज़ सुन के भाई सब जान जाएंगे कि अपना रोप हीरो बन चुका है पुलिस ऑफिसर, अब सब हमसे डरेंगे। तो भाई देखो सामने से जो भाई देख रहे हो, जो सामने का कार है भाई, पता है ये करप्ट पुलिस ऑफिसर का कार है, इसे हम अभी जाने देंगे। अभी हम अपना मिशन पर चलेंगे, अपना ड्रेस लेंगे। ड्रेस लेना है तो भाई सबसे पहले हमें शॉप पर जाना पड़ेगा, ड्रेस भी लेना है हमें। और पुलिस ऑफिसर ने कहा है जितना भी पुलिस का ड्रेस और बिस्टन और पिस्तौल होता है सब हम आपको देंगे। तो भैया पर सबसे पहले हम इस गाड़ी को इधर साइड में लगा लेते हैं और सबसे पहले उतर के चलिए हम शॉप पर चलते हैं। तो भाई अभी आप लोग बस गौर से इस रोप हीरो को देख लो भाई। अब जब हम इस पुलिस का ड्रेस पहन लेंगे उसके बाद देख लेना भाई कितना एकदम भाई मस्त लगेंगे, एकदम अच्छा भाई मत पूछो यार, इतना अच्छा हम लगने वाले हैं। तो देखो भाई यही ड्रेस है पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर का, और हमारे लिए कैब भी रखा गया है पुलिस का। तो ये लीजिए हम कैब भी बाय कर लेते हैं, और हमें तो बिस्टन भी मिलने वाला था। तो चलिए सबसे पहले पिस्तौल ले लेते हैं हम। ये रहा पिस्तौल, ऊपर में ही है, मैं देख रहा हूँ कौन सा अच्छा है भाई, ऊपर वाला ही सही है, यही पुलिस का पिस्तौल है भाई, इसको ही इक्विप कर लेते हैं। इसका एमओ भी थोड़ा सा बाय कर लेते हैं भाई। अब बारी है बिस्टन की भाई, बिस्टन इतना अच्छा ही गैजेट है भाई मत पूछो। ये हमें पुलिस वालों को की याद दिला देता है, जब हम लोग वन स्टार हमारे ऊपर आ जाता था तो हम लोग को पुलिस इसी बिस्टन के से मारते थे भाई। लेकिन वो पुलिस वाले तो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे, पर हम और रोप हीरो और वो पुलिस वाला जिसने हमें इस पुलिस का जॉब दिया है भाई, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और हम भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन के दिखाएंगे। यहाँ पे हमें पहला केस मिल चुका है कि लाइट हाउस के ऊपर बहुत सारे गैंगस्टर आकर भाई कब्जा किए हैं और किसी भी टूरिस्ट को आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस गैंगस्टर को निपटाते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से दिखाऊँगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले चलिए उस गैंगस्टर को हम लोग निपटाते हैं। सबसे पहले उस गैंगस्टर को निपटाने के लिए भाई लाइट हाउस के ऊपर है, तो भाई लाइट हाउस के नज़दीक हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को भी दबा प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी नए नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चली जाए और आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना भाई। चलिए हम लाइट हाउस के ऊपर एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं लाइट हाउस को आपको दिख रहा होगा, मैं लाइट हाउस के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर देख लीजिए मैं कार लगा के हटता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर पहले ही भाई देख रहे हो आर्मी वाला भी मिला हुआ है इस सबके साथ। तो चलिए सबसे पहले हम पिस्तौल से उस गैंगस्टर पर थोड़ा सा डैमेज देते हैं गैंगस्टर को, तो उसके बाद हम उसको बिस्टन से मारेंगे। भाई बिस्टन बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मारने के लिए इस सब गैंगस्टर को, बस देखना भाई कितना शॉट्स में ये मरेगा। एक भाई देखो, देख लिया आपने, एक शॉट्स में ही मर गया। देखो यार ये आंटी भी है सब गैंगस्टर के साथ मिली हुई है, देख रहे हो। और भाई ये आर्मी वाला तो मिला ही हुआ है भाई मत पूछो। तो देखो यार यहाँ पर देखो फ़ोन पर बात करके आ रही है, देखो वो अच्छी लड़की थी तो वहाँ से भाग गई भाई, उसको इन गैंगस्टर ने किडनैप करके रखा था भाई। देखो ये गर्ल भी, ये लड़की भी है यहाँ पर, देखो गैंगस्टर देख रहे हो, हम उसको मार रहे हैं अपने रोपी हीरो को मार रहे हैं, देख रहे हो, समझ रहे हो ना तुम लोग। देखो भाई देखो आ गया पुलिस, लकड़ी का पुलिस ऑफिसर आ गया हमको मारने के लिए। तो भाई हमको इसको मार देना है, और चलिए हमने इसको मार दिया है। और अब देखो भाई देखो इधर से भी एक इस अंकल को भी मारना है, क्योंकि ये अंकल भी करप्ट ऑफिसर हैं।
और ये तो है ही भाई, ये मोटा वाला आदमी तो है ही भाई, मत पूछो यार, ये खा पी के एकदम से मोटिया आ गया है और इसे चला तो जाता नहीं और रोपी हीरो को मारने चलता है। अरे तू हमें मारेगा, तेरी हिम्मत नहीं है हमें मारने के लिए। तो देखो भाई आगे चलते हैं भाई, आगे दिखाता हूँ मैं, इधर भी आपको दिखा रहा हूँ, इधर भी बहुत सारे गैंगस्टर हैं। देखो भाई ये लेडी भी गैंगस्टर है। देखो भाई उधर से, देखो भाई दो 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 बंदे आ रहे हैं, वो दोनों भी गैंगस्टर है। देखो भाई मुझको मार रहे हैं भाई, मतलब रोपी हीरो को मार रहे हैं। रोप हीरो को कोई मार सकता है क्या? आप ही लोग बताओ यार, कमेंट में ज़रूर करना कि रोप हीरो को कोई मार सकता है भाई। देखो ये है सो उन पुलिस ऑफिसर के लिए पेमेंट लेके आया हुआ था, मैंने इसको भी मार दिया है भाई। पैसे लेते हैं ना कोई भी काम करते हैं तो, सब है सो करप्ट पुलिस ऑफिसर है तो कोई ऐसे थोड़ी ना रहे मानेगा, सब है सो पैसे लेके इस पुलिस ऑफिसर काम करवा लेते हैं पैसे दे के भाई। पैसे मतलब एक 2 करोड़ रुपया लिया और जो मन में से कर दिया भाई, यही समझो यार। देखो देखो आए, देखो मुझ पर गोली चला रहे हैं। तो चल निकलो यहाँ से भाई, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करना है। अरे 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 भाई सॉरी सॉरी, चलिए चलिए, अपने रोप हीरो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अपना रोप हीरो हीरो है अपना। तो भाई लोग अभी आप लोगों ने मुझे अच्छे से नहीं देखा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं अपना फेस, माई मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ इसी यूनिफॉर्म पुलिस यूनिफॉर्म के ड्रेस में भाई। तो भाई लोग आप लोग दिल थाम के बैठो, देखो भाई भाई देख लो मैं कैसा लग रहा हूँ भाई। एक मिनट को मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ कार के साथ, देख रहे हो भाई इतना अच्छा लग रहा हूँ भाई, मत पूछो भाई। तो अगर आप लोगों को रोप हीरो को पुलिस बनना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि गाइस मैं जब भी नया नया वीडियो डालूं तो आप लोग के पास वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर इस वीडियो को कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।